ओम शांति। 6 अक्टूबर 2018 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा, अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नरक कहा जाता है उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है ही। रौरव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं, वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी हैं। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब हैं वह झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं, गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवास, जिस बाप को सब याद करते हैं। परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिले?
साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं। फलाने का बच्चा है, यह ऑक्यूपेशन है। आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे, तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं हैं, तो सगाई कैसे हो? नंबर वार हैं, कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब हैं बंधन। बच्चों को समझाया जाता है, एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहाँ है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता है तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है। फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थीं, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रहीं। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गईं, जैसे क्वीन मदर, देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे
तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहां पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए, तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है, जिसको हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। यह अक्षर सुनाते ही बाप हैं, तुम बच्चों को याद रखना चाहिए। और कोई चीज से फायदा नहीं, बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भल सम्मेलन करते हैं, परंतु खुद ही मूंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा, तब कहेंगे कमाल है। यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ हैं वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उन्हों की उछल जास्ती है, क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है। परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। मात पिता जानते हैं हरेक कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आपे ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं
शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं, बादल आए रिफ्रेश होकर जाएं, वर्षा बरसाएं, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरा, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। पहला, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रही हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा, परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर
जीवन मुक्त देवी देवता पद पाऊंगा। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है। अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। दूसरा, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं, वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य पांच विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही पांच विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं, विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असुल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे? अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है, वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं, आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए
पहले इस ज्ञान तलवार से इन पांच विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.